जिसने कहना है कि ये घर के शेर हैं, आप लें हमारे मुल्क में पता क्या बोला जाता है की कोई वैल्यू नहीं है। जाहिल लोग हैं जाहिल। मैं ध्रुप में ज्यादा देर खड़ा नहीं रहूंगा ये सब खत्म करो और जल्दी चलो इंडिया अपने होम में क्यों सीरीज जीतती है ये वजह हमारे सामने आ चुकी है आप बताओ तो जब मैं आपसे बात कर रहा था যেরকম চেষ্টা করেছে আমার স্ট্রেংথ অনুযায়ী ব্যাটিং করার এরিয়াল শট আসলে এটা যার যার ব্যক্তিগত প্ল্যান এটা নিয়ে আসলে যে ব্যাটিং করেছে ও আরো ভালো বলতে পারবে যে ওর ও কি চিন্তা করেছে বাট আমি আমারটা বলতে পারি যে আমি আমার স্ট্রেংথ অনুযায়ী ব্যাটিং করার চেষ্টা করি বাংলাদেশ টিম টুটা আসলিয়ত এংলাদেশি ফ্যান্সকে পাকিস্তানি ফ্যান ও ফ্যান থে শায়দ জিনে লাগা কে বাংলাদেশ কি টিম ভারত মেয়ে কুড়ি বড়া জরুর করে था सर पहले अभी इतना नहीं आ, क्योंकि आई I मीन mean, बहुत सारे प्रेशर डाल चुका है मेरे ऊपर और आ, मैंने भी लगाया प्रेशर बाहर से भी लोग लगाया आ, प्रेशर दबाव में डाला था बट मेर मेरा ये इससे खुशी लेता था एक्चुअली हमेशा जो प्रेशर के लिए रेस्पॉन्ड किया जो शांतु ने बयान दिया था ना टू जीरो वाला ये ये माइंड गेम नहीं खेलते, ये नहीं खेलते पाकिस्तान टीम है मेरे भाई मैंने मैंने आपको पता मैंने उसी टाइम की टीम को इतनी बड़ी मुझे लगता है मुझे सेकंड टेस्ट के इसी हम से बाहर नहीं आ पाया और पूरे का पूरा पाकिस्तान इस तपा हुआ है की यार ये बांग्लादेश हमें क्या करके गई है और इंडिया ने इस बांग्लादेश के साथ क्या किया है? नागन को पटारी में डाल दिया इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच रहा और जैसे इंडिया ने उन्होंने अपनी इज्जत बचवानी है ना अगर खुद को चिरवाना फड़वाना नहीं अपनी क्रिकेट बचानी है तो वो इंडिया ना आए कम अज कम वो कभी ऑस्ट्रेलिया की रिकी पॉन्डिंग की टीम होती थी ना रिकी की ऑस्ट्रेलिया टीम वो बताती थी जब कोई माठी टीम आपके सामने आ जाए ना आपने उसको उठने नहीं देना वो तरह से क्रिकेट रोहित शर्मा की टीम खेल आपको याद होगा दो तीन महीने पहले जब वर्ल्ड कप भारत जीता था और सूर्य कुमार यादव का वो कैच जिसने मैच को साउथ अफ्रीका से छीन के भारत के पक्ष में रख दिया था उस पर पाकिस्तान में कई दिनों तक नहीं कई महीनों तक चर्चा चलता रहा यार वो जो कैच सूर्य कुमार यादव लिया था वो जरा सर कैच नहीं था वो सिक्स चला गया था हालांकि बी के अध्यक्ष जैसा वहाँ बैठे हुए थे इसलिए बी का आई पे इतना दबाव है की सिक्स न दे के सूर्य कुमार यादव ने उसको कैच ले लिया और भारत मैच जीत अब इस, मैच में, टेस्ट मैच में, जो भारत ने इस वीडियो में पाकिस्तानी कैसे रो क्रिटिकल था सर पहले अभी इतना नहीं क्योंकि आई I मीन mean, बहुत सारे प्रेशर डाल चुका है मेरे ऊपर और आ, मैंने भी लगाया प्रेशर बाहर से भी लोग लगाया आ, प्रेशर दबाव में डाला था इससे खुशी लेता था एक्चुअली हमेशा जो प्रेशर के लिए रेस्पॉन्ड किया किसी का जवाब देने में परफॉर्मेंस में या ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे देकर बहुत खुशी हुई थी आ, मगर अभी ऐसा नहीं था अभी अब अभी ऐसा नहीं है आ, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आजकल इस इज टू एन्जॉय में क्रिकेट जो मोमेंट में रहकर जितना एक स्माइल चेहरा पे लगा कर क्रिकेट खेलना चाह रहा हूँ वो मैंने चार पाँच साल पहले वो बहुत मुश्किल से वो प्रमिस किया खुद को कि आज से किसी को रेस्पॉन्ड नहीं करना है खुद का हैप्पीनेस के लिए खेलना है करके प्रॉमिस किया है और आज तक वो ऐसे मेंटेन कर ऐसी पाकिस्तान की सीरीज़ जब वो खेलने आए उस टाइम ये भी पाकि... नीचे बॉटम से कोई पाकिस्तान के साथ ही थे सातवें आठवें नंबर पे पाकिस्तान को हराने के बाद ये टीम चौथे नंबर पे चली गई और सब ने समझो ओ जी पता नहीं क्या टीम आ गई है जी फड़का देगी इंडिया को सब कुछ सिर्फ थकी घटिया किस्म की पिच बना के दी पाकिस्तान में इनको जिसकी वजह से इनके बॉलर्स ने हमें प्रॉब्लम में डाला और हमारे बैट्समैन वैसे ही टेक्निकली इतने अच्छे नहीं थे लेकिन जहाँ पे पिचिज़ बॉलर को सपोर्ट करती हैं वहाँ पे दुनिया का जितना बड़ा बैट्समैन ही हो बैट्समैन हो वो टेक्निकली फेल होने लग जाता है क्योंकि उसको हर टाइम सरवाइव करना पड़ता है जिस तरह हमें पाकिस्तान में करना पड़ा ठीक है और हम दो टेस्ट मैच की सीरीज़ हार गए लेकिन मुझे पता था ना कि इंडिया में फ्लैट पिचज़ होती हैं अगर नए बॉल से बांग्लादेश के बैट्स बॉलर्स ने इंडिया को प्रॉब्लम में डाली भी थी दोनों इनिंग्स में लेकिन उसके बाद देख लें आप जहां विकेट फ्लैट था जहां बॉल पुराना हुआ ना पिच ने हेल्प की ना कुछ भी की कुछ नहीं किया जडेजा ने मारा एश्विन ने मारा फिर ऋषभ पंत ने कुट लगाई फिर गिल ने कुट लगाई ये थी इनकी बॉलिंग कहाँ गए पाकिस्तान में तो बांग्लादेश के फास्ट बोलर तो वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बोलर लग रहे थे संभल ही नहीं रहे थे मेहदी असन ऐसे बना हुआ था जैसे पता नहीं कोई मतलब अनिल कुंबले आ गया कोई समझ ही नहीं आ रही है तो ये थी इस टीम की वैल्यू जो इंडिया ने बताया है जाहिर सी बात है एक टीम टॉप पे और उसके बाद जो नीचे की टीम का कोई मुकाबला तो रखना है ना इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं देखता हूँ इनकी बॉलिंग लाइनअप क्या करती है जाके मैं देखता हूँ इनकी बैटिंग जो है वो आ, इंडिया में क्या करती है जाके आ, ये चीज़ तो मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कि हम अननेसेसरी क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं बिकॉज़ हमारे लड़कों का जो डाइवर्जन है वो पैसों की तरफ ज़्यादा हो गया है लीगस की तरफ और पाकिस्तान की तरफ नहीं मैं कहता हूँ कि ये एक नहीं दुनिया की पूरी लीग्स खेलें जाकर ये जाकर लांडी में भी खेलें भाई फेरू में भी खेलें खूब पैसे बनाएँ मगर जब पाकिस्तान की बारी आए तो फिर पाकिस्तान के साथ इंसाफ करें पाकिस्तान को मैच जिता के दें तो कोई एतरा था। तो ये एक सोच का फ़र्क है और इसी के ऊपर मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना सिस्टम अपनी चीज़ों को दुरुस्त करना है अगर वो नहीं करेंगे तो ये होता रहेगा मैंने उस दिन भी जिक्र किया था आपसे कि जब मैं लाहौर गया था मैंने टेस्ट क्रिकेटर से बात की कि आपके पास कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है तो दें आपके पिछले प्रोग्राम में भी जिक्र किया उन्होंने कहा नहीं हमारे हमें नहीं मिलता मगर वो तीस से पैंतीस सफों का होता है तीस से पैंतीस सफों का तो वो कोई नहीं पढ़ता बखौल लड़कों के हम नहीं पढ़ते सिर्फ ये देखते हैं हमारी अमाउंट कितनी है और क्या नहीं है तो उसमें क्या ये रूल्स डिफाइन हैं अच्छा मतलब इस मैच से वैसे पाकिस्तानियों का कोई लेना देना नहीं है लेकिन जितने भी पाकिस्तान के चैनल हैं स्पोर्ट्स चैनल हैं उस पर देख लो हालांकि अभी पाकिस्तान में भी एक पता नहीं कौन सा लीग चल रहा है उनका घरेलू क्रिकेट चल रहा है तो उस पर कोई बात नहीं कर रहा है जितने भी यूट्यूबर है सब के सब इसी पे बात कर रहे हैं कि भारत ने बांग्लादेश को कैसे हरा दिया और वो बांग्लादेश से हम कैसे हार गए मतलब हमारी तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान में आके हमारी टट्टी निकाल दी थी इस तरीके से गंदे तरीके से हमें हमारे घर में आके पेल दिया और वही बांग्लादेश भारत में जाके मतलब इतना बेबस नज़र आया कि इसको समझ में नहीं आ रहा और हर तरफ हर तरफ सिर्फ बांग्लादेश और भारत बांग्लादेश और भारत का टेस्ट मैच का बात चल रहा है और दूसरी बात यह है कि अब चैंपियन ट्रॉफी को लेके पता नहीं कौन सा क्या आ गया है कि बड़े बड़े चैनल वाले बोल रहे हैं कि अब तो ठप्पा लग चुका है कि अब तो चैंपियन ट्रॉफी जो है पाकिस्तान में ही होगा दरअसल दो तीन दिन पहले आईसीसी का कोई टीम पाकिस्तान गया होता सर्वे करने के लिए और उस टीम का कोई अधिकार नहीं है कि वो बोल सके कि चैंपियन ट्रॉफी यहाँ हो हालांकि उसने अगर बोला भी होगा तो उसके कहने से कुछ होगा नहीं क्योंकि दिसंबर में जैसा आईसीसी के चेयरमैन हालांकि बन चुके हैं लेकिन चेयर पे बैठ जाएंगे तो सब कुछ उनके हाथ में है लेकिन ये जो है माहौल बनाना प्रोपोगंडा फैलाना ये तो कोई पाकिस्तान से सीखे इस तरीके का प्रोपोगंडा फैलाना वो अभी से शुरू कर दिया है कि अब तो भाई साहब मोहर लग चुका है अब चैंपियन ट्रॉफी को पाकिस्तान में होने से कोई नहीं रोक सकता बाकी नेक्स्ट जो 27 तारीख को दोबारा टेस्ट मैच बांग्लादेश के साथ शुरू होने वाला है उसमें बांग्लादेश की क्या हाल होने वाली है और पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी के जो लेके रंडी रोना मचा हुआ है आपकी क्या प्रतिक्रिया नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जय श्री राम